है उत्तर प्रदेश की, जहां अमेठी में युवक के हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने सोमवार गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जी हां, आपको बता दें, बीते 4 अगस्त को सुबह घर से बाजार निकले युवक नीरज पांडे निवासी भगनपुर थाना मुंशीगंज को अपराधियों ने दौड़ाकर गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी तलाश चल रही थी कि इसी बीच मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली अमेठी श्याम सुंदर ने हमराहियों के साथ भेटुआ ब्लॉक के पास उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले के आरोपी को जेल भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीओ अमेठी पीयूष कांत राय ने बताया कि यह घटना दो परिवारों की आपसी रंजिश के बदले की भावना को लेकर की गई है। कई वर्षों से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी पंकज मिश्रा के भाई की 2017 में हत्या हुई थी, जिसमें मृतक व उसके पिता आरोपी थे। मृतक के पिता अभी जमानत पर चल रहे हैं। आज किस तरह का खुलासा किया गया है? दिनांक 4/9/2019 को घबरावा मोड़ के पास एक हत्या की घटना कारित की गई थी। उसी हत्या की घटना में शामिल नामजद एक अभियुक्त पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। इस मुखबिर से सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा एक गुटवर्क किया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया, जिसे चालान किया जा रहा है। हत्या का मोटिव क्या था जो हत्या हुई है? हत्या का मोटिव पुरानी दुश्मनी है। इन दोनों परिवारों के बीच पिछले 2-3 सालों में मुकदमे लिखे गए थे, और जो पंकज मिश्रा जो अभी गिरफ्तार हुआ है, इसके भाई की हत्या भी हुई थी 2017 में। उसमें जिसकी हत्या हुई है नीरज पांडे, मृतक नीरज पांडे भी अभियुक्त था, उसका पिता भी अभियुक्त था, क्योंकि उसके पिता फिर जमानत पे छूटे तो बदले की कार्रवाई में ये घटना की गई, अभी तक के विवेचना में आई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।